फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तीन तीन एग्जाम आ चुके हैं, इसलिए कमर कस लीजिए और पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। तो आज मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ 50 थ्योरी क्वेश्चन, जो फिटर के एग्जाम में ज़रूर आएंगे, जो हमारे पेपर होने वाले हैं। हमारा पेपर होने वाला है, UPPCL का पेपर होगा, 5 अप्रैल के बाद होने का चांस है, अभी डेट क्लियर नहीं हुई है। यूपी मेट्रो की डेट क्लियर है, 17 अप्रैल को पेपर होगा, और बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर जो है वो 25 अप्रैल को होगा, डेट क्लियर हो चुकी है, तो दो डेट हैं। और ITI का पेपर जो होगा हमारा मार्च में होगा, 5 मार्च के बाद होने का जो चांस था, सॉरी 15 मार्च के बाद जो पेपर होने का चांस था, तो मार्च ही में इसके पेपर हो सकते हैं। और इन सभी की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ऑफलाइन तैयारी करने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन है पहला कि निम्न में से कौन सा एक्सीडेंट होने का कारण नहीं है। तो नहीं दिया गया है, तो नहीं वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि हमें वो ऑप्शन इससे अलग कर देना है जो इसके कारण है। खतरे के प्रति सावधान ना रहें, इससे हमारी दुर्घटना हो जाएगी। टूल्स का गलत इस्तेमाल करना, इससे भी हो जाएगी। ध्यान भटकने से भी हो जाएगी। ग्लव्स का उपयोग करने से कोई दुर्घटना नहीं होगी, इसलिए नहीं पूछा था। फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा चित्र बिजली के झटके को दर्शाता है, हमें ये बताना है। तो हमारा देखिए, इसमें बिजली इस तरीके से आती है एक तीर के रूप में, तो ये हमारा जो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इस डाई का हमें नाम बताना है। तो ये डाई ध्यान से देखिए, दो पीस में डाई बनी हुई है, ये लेफ्ट वाला पीस अलग है और राइट वाला पीस अलग है, तो ये हमारी डाई दो पीस में बनी हुई है, तो इसमें स्प्लिट डाई, क्योंकि स्प्लिट का मतलब होता है दो पीस, इसलिए हम फर्स्ट आंसर इसका टिक करेंगे। कभी भी दोस्त क्वेश्चन हल करें, उसका कीवर्ड आप जरूर समझें। कीवर्ड आप समझते हो, कीवर्ड हम उसे कहते हैं जिससे हमें आंसर की पहचान हो जाती है। चौथा नंबर हम क्वेश्चन करेंगे और इसका कीवर्ड बताएंगे, जॉब की लंबाई और समांतरता चेक करना, यानी हमें किसी जॉब की पैरेललनेस को चेक करना है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो पैरेललनेस को चेक करने के लिए हम यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग करते हैं। अब इसमें पहले में भी सरफेस गेज दिया है, लेकिन यूनिवर्सल सरफेस गेज अच्छा होता है, तो यूनिवर्सल सरफेस गेज हम आंसर लगाएंगे। जब दोनों गेज हों तो यूनिवर्सल सरफेस गेज इज द बेस्ट आंसर होगा। पाँचवा क्वेश्चन, जकड़ने के लिए कौन सा हथौड़ा उपयोग किया जाता है, जिसमें जकड़ना लिखा हुआ है, जकड़ने को हम रिपटिंग कहते हैं। तो जब भी हिंदी में कुछ समस्या हो पढ़ने में, तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन देख सकते हैं, इसीलिए हिंदी में भी क्वेश्चन होता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होता है। जकड़ने का मतलब रिपटिंग होता है, तो रिपटिंग के लिए हम किस वॉल पेन हैमर का उपयोग करते हैं। तो इसमें वॉल पेन हैमर दिया गया है, क्रॉस पेन दिया है, घन दिया है, इंजीनियरिंग काम में पिक हथौड़ा और प्लास्टिक हथौड़ा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हमारे पास बचा क्रॉस पेन और इंजीनियरिंग कामों में प्रयुक्त हथौड़ा, तो इसमें हम वॉल पेन हैमर, तो ये जो हमारा वॉल पेन हैमर होता है, ये सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, वॉल पेन हैमर, क्योंकि इसमें क्रॉस पेन दिया है, तो क्रॉस पेन तो इसमें होगा नहीं। इसका छठवां क्वेश्चन, किल्ड स्टील इसमें लिखा हुआ है। अब किल्ड स्टील का मतलब होता है डेड माइल्ड स्टील, तो डेड माइल्ड स्टील एकदम किस से अलग होती है, तो देख लीजिए, इसमें डेड माइल्ड स्टील जो होती है मिश्र धातुओं, तो इसका आंसर बी आंसर होगा, ये मिश्र धातुओं से अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो मिश्र धातु होती है वो थोड़ा मजबूत होती है, और डेड माइल्ड स्टील होती है, जो किल्ड माइल्ड स्टील होती है, वो कमज़ोर होती है, इसलिए किससे अलग है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, एलॉय स्टील से अलग है। सातवां क्वेश्चन, सरफेस प्लेट बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है। तो सरफेस प्लेट जो होती है उसमें कंप्रेसिव पावर होनी चाहिए, दबाव शक्ति सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, तो दबाव शक्ति कास्ट आयरन में होती है, तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आठवां क्वेश्चन करेंगे, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो हमारा रहता है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का न्यूनतम माप क्या होता है। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी 5 मिनट रहती है, लेकिन इसमें 2 कॉमा लगा दिए हैं, ये गलत कर दिया है, ये सेकेंड के होते हैं, तो इसमें 5 के ऊपर 1 डेस्ट लगाना चाहिए, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो सामान्य तौर पर रेफरेंस के आधार पर कोण को मापता है, यानी बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में रेफरेंस का कार्य कौन करता है, ये कीवर्ड है, तो रेफरेंस या माध्यम का कार्य हमारा स्टॉक करता है, तो स्टॉक आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो स्टॉक होता है वो नीचे रेस्ट कर जाता है, तो रेस्ट करना मतलब होता है एक माध्यम। दसवां क्वेश्चन, एक अंधेरे गड्ढे, अंधेरे के गड्ढे का मतलब होता है ब्लाइंड होल, ब्लाइंड होल में चूड़ी काटने के लिए हमें किस टेप का उपयोग करना पड़ता है। तो जब अधूरा गड्ढा होता है तो हमें पूरी गहरे तक चूड़ी काटने के लिए जो हमारा सही आंसर होता है बॉटमिंग टेप, तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बॉटमिंग टेप इसलिए करते हैं क्योंकि पूरी गहराई तक चूड़ी कट जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम 11वां क्वेश्चन करते हैं,
बन्ने वाले प्रोट्रैक्टर का वो है जो भाग जो मापन के लिए झुके हुए तल के संपर्क में आता है, यानी इसमें दो चीज़ें होती है बन्ने वाले प्रोट्रैक्टर में, एक स्टॉक होता है और एक ब्लेड रहता है। तो ब्लेड जो होता है वो कोण में रहता है, और देखिए इसमें दिखा हुआ है झुके हुए तल, ये कीवर्ड है इसका झुके हुए तल। तो झुके हुए तल पर कौन आता है, ब्लेड आता है, तो इसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए। अब एक कीवर्ड को समझिए, ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा, आप जब तक कीवर्ड नहीं पकड़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन को इधर उधर कर सकते हैं। इसका 12वां नंबर क्वेश्चन है, मेन स्केल पर बनने वाले प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक भाग का मान क्या होता है, यानी ये प्रत्येक भाग का मान पूछा है, और किस भाग का मान पूछा है, बनने वाले प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक भाग का मान मुख्य स्केल मेन स्केल पर। तो इसके दो स्केल होते हैं, बनने वाले प्रोट्रैक्टर की एक मेन स्केल होता है, उसके एक खाने का मान 1 डिग्री होता है, और बनने स्केल होता है उसका एक भाग का मान 1 डिग्री 55 मिनट होता है। तो ये दोनों याद कीजिए, मेन स्केल के खाने का मान पूछा तो 1 डिग्री हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा, ए आंसर होगा 1 डिग्री। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन, जलती हुई भट्टी में संघीय ऊष्मा कहाँ पर होती है, यानी जब कोई भट्टी जल रही होती है तो अच्छी ज़्यादातर ताप कहाँ रहता है, तो ये ज़्यादातर ताप रखता है मुख के पास रहता है, इसे थ्रोट कहते हैं इंग्लिश में, या मुंह के पास जो होता है ज़्यादातर ताप होता है। इसका 14 नंबर, पिग आयरन में आयरन होता है, तो पिग आयरन में हमारा लगभग 92% आयरन होता है, तो इसका 92 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसका डी आंसर 95 हो जाएगा, क्योंकि 92-93 लगभग रहता है, तो हम 95 इसका आंसर लगा देंगे, पिग आयरन में आयरन की मात्रा। इसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन हम आ जाते हैं, लोहा गाढ़ा किसके कारण हो जाता है, यानी लोहा को स्ट्रेंथ जो होती है या हार्डनेस किससे हम बढ़ा सकते हैं। लोहा गाढ़ा का मतलब होता है हार्डनेस वगैरह हमें बढ़ाना होती है, तो कभी भी देखा होगा आप लोगों ने, लोहे में हम कार्बन की मात्रा मिलाते हैं, तो कार्बन और मैंगनीज इसका राइट आंसर होना चाहिए, कार्बन और मैंगनीज से लोहे में हार्डनेस आ सकती है। न्यूनतम सीमा और बेसिक आकार के बीच अंतर, अब इसमें न्यूनतम सीमा और बेसिक आकार, आप देखिए न्यूनतम सीमा मतलब लो लिमिट और बेसिक आकार, तो लो लिमिट में से हम बेसिक आकार घटाएंगे तो इसमें न्यूनतम विचलन आएगा, तो इसमें न्यूनतम विचलन निचला विचलन होता, यही अगर न्यूनतम सीमा की जगह अधिकतम सीमा और बेसिक साइज होता तो इसका हो जाता है अधिकतम विचलन। तो इसमें न्यूनतम सीमा मतलब लोअर लिमिट में से हम बेसिक साइज घटाएंगे तो न्यूनतम विचलन आएगा, तो सी आंसर होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन, जेनी कैलिपर का उपयोग होता है, यानी जेनी कैलिपर का क्या उपयोग होता है, तो जेनी कैलिपर से हम सिलेंड्रिकल जो आपका सेंटर भी निकाल सकते हैं और समांतर लाइनें भी खींच सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा लिखा गया है, राउंड बार का भौतिक मान निकालने के लिए, राउंड बार का आंतरिक मान निकालने के लिए, राउंड बार का केंद्र माप निकालने के लिए, तो इसका सी आंसर होगा, राउंड बार का केंद्र मान निकालने के लिए। 18वां नंबर क्वेश्चन, नंबर ड्रिल का समुच्चय श्रृंखला में ड्रिल एक विशेष रेंज में, तो ये कीवर्ड इसका जो है वो नंबर ड्रिल है, तो नंबर ड्रिल हमारे 1 से 80 तक होते हैं, आप ध्यान करिए इसको, 1 नंबर से 80 नंबर तक होते हैं। नंबर ड्रिल श्रृंखला में ड्रिल का सबसे बड़ा साइज क्या होता है, तो जो सबसे बड़ा साइज होता है वो 1 नंबर का होता है, और 1 नंबर का साइज होता है 5.791 mm, तो इसमें कहीं दिया है 5.791 mm, तो कभी कहीं नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन में डाउट हो गया है। सबसे बड़ा साइज जो होता है 5.791 mm होता है, इसमें नहीं दिया गया, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए किताब से। 20वां नंबर क्वेश्चन, मृदु और मिस स्टील की वेल्डिंग करते समय गैस का सुरक्षा कवच किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जो गैस का सुरक्षा कवच बनाया जाता है वो सेल्यूलोज के द्वारा बनाया जाता है, ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां नंबर क्वेश्चन हम करते हैं, मृदु और मिस स्टील की वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड की कोटिंग में क्या उपयोग किया जाता है, जो उच्च तरलता वाला और जल्दी जमने वाला धातु भस्म होता है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा पढ़ने में लग रहा है। उच्च तरलता मतलब लिक्विड अवस्था में आ जाता है, तो इसके लिए हो जाता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिससे उच्च तरलता प्राप्त हो जाती है। 22वां नंबर क्वेश्चन, लेटर ड्रिल में अक्षर आधारित ड्रिल यानी लेटर ड्रिल, तो लेटर ड्रिल हमारे ए से जेड तक होते हैं, तो जेड नंबर सबसे बड़ा होता है, बड़ा पूछा गया, ये कीवर्ड है, हमें और क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, कीवर्ड ही देखेंगे, तो जेड सबसे बड़ा होता है, तो इसका होता है 10.49 mm, तो इसका वी आंसर जो है 10.49 mm दिया। 23वां नंबर, आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, यानी हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, तो टॉलरेंस कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां नंबर क्वेश्चन, आकार आधारित जिस पर बीमीय विचलन हो, यानी कि ऐसा कौन सा साइज है जिस पर विचलन निर्धारित किया जाता है, तो वो जिस पर हम कोई भी लिमिट को फिट को निर्धारित करते हैं वो बेसिक आकार होता है, तो इसमें बी आंसर में देखिए बेसिक आकार दिया, बेसिक साइज का राइट आंसर होगा। 25वां नंबर क्वेश्चन, घुमाते हुए छिद्रदार चक्के के चारों ओर मैल मृदु धातुओं के कणों का आकर्षित होना, यानी कि एक ग्राइंडर व्हील है, तो ग्राइंडर व्हील घूम रही है तो उसके ऊपर धातु के कण फंस गए हैं, तो धातु के कण जब फंस जाते, देखिए धातु के कणों को आकर्षित करना मतलब फंस जाना, और इंग्लिश में आप पढ़ के इसको थोड़ा समझ सकते हैं,
तो उसमें जरूर आपको मिल जाएगा ये सारा चीज़ जो हिंदी में आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर लोडिंग होगा। धातु के कणों का फंस जाना लोडिंग कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, घूमते हुए पहिए का ऊपरी तल मृदु और चमकदार दिखाई पड़ता है। तो जब ऊपरी तल, कोई ग्राइंडिंग व्हील का ऊपरी तल जो है चमकदार हो जाता है, ये चमकदार दिखाई देता है, तो इसे हम ग्लेजिंग कहते हैं, क्योंकि लोडिंग और ग्लेजिंग दो प्रकार की ये दोष होते हैं। 27 नंबर, ड्रिल चक ड्रिल मशीन के स्पिंडल पर कैसे फिट होता है, यानी ड्रिल चक को हमें ड्रिल मशीन के स्पिंडल पर फिट करना है, तो ये चक के ऊपर वाला भाग होता है, टेपर वाला भाग इस तरीके से बना होता है, उसे हम आर्वर कहते हैं, ऊपर वाला भाग मूछ टेपर होता है। ड्रिल किस रेंज में पाया जाता है, तो इसमें रोशनी लिखा हुआ है, रोशनी का मतलब ये हिंदी में कन्वर्जन किया है तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यदि आप इंग्लिश में जरूर पढ़ोगे तो इसका आएगा मूछ टेपर, जरूर इसमें आएगा मूछ टेपर की रेंज क्या होती है। तो ड्रिल पर जो मूछ टेपर होता है वो MT1 से MT6 होता है, तो इसमें MT1 से MT6 कहीं नहीं दिया, लेकिन MT1 से MT5 दिया, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा MT1 से MT5। नेक्स्ट 29 नंबर हमारा क्वेश्चन, फाइल बनी होती है, तो फाइल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्पॉट वेल्डिंग किस वेल्डिंग का प्रकार है, यानी स्पॉट वेल्डिंग किससे की जा सकती है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, तो इसका आंसर रेजिस्टेंस वेल्डिंग होना चाहिए। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, आप एक पॉइंट चुनते हैं और इसे मार्क करते हैं, तो कोई भी पॉइंट हम किससे लगाते हैं डिवाइडर वगैरह के लिए, तो हम प्रिक पंच से लगाते हैं, क्योंकि प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री होता है, तो ये जो पंच लगता है ये थोड़ा पतला लगता है, जिससे ढीला नहीं होगा नोक। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन जो है, एक फिगर बना हुआ है इंग्लिश में, तो इस तरीके से एक स्निप बनी हुई थी, इस तरीके से स्निप बनी हुई थी, तो इस स्निप का नाम पूछा जा रहा था, ये इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा, फिगर बी में नहीं है, तो उसका पंच नाम नहीं है, और ये स्निप इसमें एक जगह दिया गया है, केवल एक ऑप्शन स्निप बनी हुई, तो इससे बुलडॉग स्निप आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, बेलनाकार आकारों की क्रिम्पिंग में उसका आकार बढ़ाने के लिए उनकी डेडेड को हटा दिया जाता है, यानी हमें बेलनाकार चीज़ का आकार बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, उसके व्यास को हटाएंगे। इसका 34 नंबर क्वेश्चन, नील में ऐसा क्या मिलाया जाता है जो जल्दी सूख जाता है, तो जल्दी सुखाने के लिए हम मीथेन मिली हुई स्प्रिट को हम मिलाएंगे, मीथेन मिली हुई स्प्रिट को। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का टेम्परेचर, तो वेल्डिंग का टेम्परेचर 3300 डिग्री सी होता है, तो 3200 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग क्या होता है, तो इसका सिलेंडर का रंग मेरून और लाल हो, तो मेरून आंसर हम लगाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, टेप की फिटिंग को दर्शाया जाता है, यानी टेप की फिटिंग को हम किससे दर्शाते हैं, तो कैपिटल एस से हम दर्शाते हैं इसको, टेप की फिटिंग को। 38 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन निम्न में से किसकी रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाई जाती है, तो एसिटिलीन को कैल्शियम कार्बाइड जो होता है CaC2+H2O, ये याद कर लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड और पानी, तो कहीं लिखा है कैल्शियम कार्बाइड और पानी, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये हम कृत्रिम विधि से एसिटिलीन गैस को बना सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड नहीं लिखा, कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो ये इसका बी आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, काटने के लिए कौन सी लपटें प्रयोग की जाती है, यानी काटने के लिए, कटिंग के लिए, तो कटिंग के लिए दोस्त मैं कई बार बता चुका हूँ पुराने वीडियो में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है कटिंग करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा कटिंग की जाती है। इसके बाद है फेरस रहित धातु, मतलब नॉन फेरस, तो ब्रास और ब्रांज के लिए कौन सी फ्लेम का हम उपयोग करते हैं, तो ब्रास ब्रांज के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। इसके बाद स्टील की वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम गैस फ्लेम होता है, तो न्यूट्रल फ्लेम होता है, क्योंकि स्टील जो है न्यूट्रल में आता है। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, सामान्य ग्राइंडिंग व्हील और फाइन ग्राइंडिंग व्हील कि ग्राइंडिंग व्हील की दर क्या, यानी ये पूछा जा रहा है कि सामान्य ग्राइंडिंग व्हील जो काटेगा और फाइन ग्राइंडिंग व्हील की अपेक्षा क्या काटेगा, तो सामान्य ग्राइंडिंग व्हील की जो कटिंग फीड होती है वो अधिक होती है, सामान्य ग्राइंडिंग व्हील की जो दर होगी, फीड की दर, वो फाइन की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि सामान्य व्हील अधिक काटती है, फाइन वाली व्हील कम काटती है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में कौन सा अक्षर ग्राइंडिंग व्हील के मध्यम ग्रेड को दर्शाता है, तो ग्राइंडिंग व्हील में 3 ग्रेड होते हैं, सॉफ्ट मीडियम हार्ड, पहला होता है ए से एच तक, दूसरा होता है आई से पी तक, और तीसरा होता है क्यू से जेड तक, तो मीडियम वाला होता है आई से, तो आई के बाद आई जे के एल एम एन, तो इसका हो जो हो जाएगा डी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा एन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर गए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न कौन सा अक्षर ग्राइंडिंग व्हील के मध्यम गेट को, ये हो गया 43 नंबर एन दर्शाता। 44 नंबर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन निम्न में से किसको ग्राइंड करने में सक्षम होती है, तो ये किस सतह को सक्षम करती है, सरफेस ग्राइंडिंग एक समतल सतह को ही कर पाएगी। एस निम्न में से किस प्रकार के व्हील को दर्शाता है, तो एस जो ग्रेड है हमें बताना है,
तो इसके लिए सेलाक सेलेक ई होता है, ये तो होगा नहीं। इसका रेजिनाइट का बी होता है, ये भी नहीं होगा। रबर बॉन्ड का आर होता है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद सिलिकेट बॉन्ड इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ग्राइंडिंग व्हील पर मार्क करते समय अनिवार्य रूप से कितने पिटी प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए 7 पिटी का उपयोग करते हैं, क्योंकि मैं लिख के बता देता हूँ। जब किसी ग्राइंडिंग व्हील को ऐसे लिखा जाता है, 51A46L5V23, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 5 5 6, और एक भी था 7, तो इसके लिए 7 का उपयोग करते हैं। एक दोस्त मैं एक 45 नंबर क्वेश्चन एक बात बताने वाला हूँ कि सैलाक का जो सिंबल होता है वो ई होता है, याद कर लीजिए। सैलाक का कई लोग एस लगा देते हैं, और रेजिनाइट का बी होता है, आर नहीं लगाना है, इसको बिल्कुल ध्यान से रखिए। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मशीन से सुखाया जाता है, यानी ये क्वेश्चन ये हुआ कि सुखाए जाने का मतलब मशीनिंग किया जा सकता है, तो हम कास्ट आयरन की जो है मशीनिंग कर सकते हैं। इसके बाद 48 नंबर, टॉलरेंस की बाइलेटरल पद्धति, यानी ये टॉलरेंस कौन सा है? बाइलेटरल, तो बाइलेटरल में दोनों तरफ पर छूट दी जाती है, बेसिक साइज के ऊपर भी, प्लस में भी और माइनस भी, तो दोनों टाइप्स में सी आंसर वास्तविक आकार के दोनों हो। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिल आकार काटने की क्षमता निर्भर करती है, तो ड्रिल की काटने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर, गुणवत्ता पर, ड्रिल किए जाने पदार्थ पर, तो ये सभी इसका डी आंसर राइट आंसर होगा, क्योंकि काटने की क्षमता सब पर निर्भर करती है, ड्रिल पर भी निर्भर करती है, मटेरियल पर भी निर्भर करती और मशीन की स्थिति पर भी निर्भर करती है। 50 नंबर क्वेश्चन, बेंच पर शिकंजे को अधिक कस देने से किस चीज़ का नुकसान है? यानी ये कहा जा रहा है कि जो हमारी बेंच वाइस है उसमें हम अधिक टाइट कर देंगे तो क्या होगा? तो अधिक टाइट करने से हमारा बॉक्स नट खराब हो जाता है, तो इसका आंसर जो है सी आंसर राइट आंसर होगा। हमारे जो बॉक्स नट होता है उसकी चूड़ियाँ खराब हो जाती हैं, तो हमारा फिर वाइस सही से टाइट नहीं होती है, तो हमें अधिक टाइट नहीं करना है। तो दोस्त ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन, और दोस्त आप तैयारी करिए, क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, 3 वैकेंसी एक साथ आई हैं। आप